वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी एडर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th साइंस का सेकंड चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका भाग दो, पाठ्यपुस्तक के हल प्रश्न। प्रश्न क्रमांक एक, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? पहला, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। उत्तर, वाष्पन या वाष्पीकरण विधि। बी, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए। उत्तर, ऊर्ध्वपातन विधि। सी, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। उत्तर, निस्यंदन या छानन विधि। डी, दही से मक्खन निकालने के लिए। उत्तर, अपकेंद्रण विधि। ई, जल से तेल निकालने के लिए। उत्तर, पृथक्करण की। एफ, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में। उत्तर, छानन विधि। जी, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में। उत्तर, चुंबकीय पृथक्करण विधि। एच, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में। उत्तर, फटकन विधि। आई, पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए। उत्तर, भारण। इस विधि के लिए हम फिटकरी का उपयोग करेंगे। जे, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। उत्तर, क्रोमेटोग्राफी। प्रश्न क्रमांक दो, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। उत्तर, सर्वप्रथम एक पात्र में एक कप पानी विलायक के रूप में लीजिए। सेकंड, इसमें चीनी डालिए जो कि एक विलेय पदार्थ है। थर्ड, आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है। अब इसमें एक या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालिए जो कि जल में अघुलनशील है, अर्थात अघुलनशील विलेय है, तथा इसे उबालिए। फिफ्थ, इसमें एक कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक पुनः उबालिए। दूध जल के साथ मिलकर एक कोलाइडी विलयन बनाएगा। सिक्स, अब एक छननी या स्टेनर से इसको छानिए। आपको चाय घुले अर्थात फिल्ट्रेट तथा चाय की पत्तियां छननी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। प्रश्न क्रमांक तीन, प्रज्ञा ने तीन अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। स्टूडेंट्स, ये तालिका आपको बुक में भी अवेलेबल रहेगी। इसमें विलेय पदार्थ पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड लिए हुए हैं। तापमान यहाँ पर केल्विन में दिया है, 283 केल्विन, 293 केल्विन, 313 केल्विन, 333 केल्विन एंड 353 केल्विन। इस ताप पर पदार्थ की जितनी मात्रा चाहिए वो उस पदार्थ के नाम के आगे दी हुई है। ये तालिका आपकी पुस्तक में भी है। क्वेश्चन थर्ड का भी, प्रज्ञा 353 केल्विन ताप पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो यह क्या अवलोकित करेगी, अर्थात विलयन ठंडा होने पर क्या अवलोकन होगा वह स्पष्ट करें। उत्तर, पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल विलयन को जब ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए क्योंकि
ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है अर्थात ताप घटने पर घुलनशीलता घटती है, अतः ठोस पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल प्राप्त हुआ। सी 293 केल्विन ताप पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? उत्तर 293 केल्विन ताप पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता इस प्रकार है। पोटेशियम नाइट्रेट सबसे पहले घुलेगा, सोडियम क्लोराइड उसके बाद, पोटेशियम क्लोराइड उसके भी बाद में, और अंत में अमोनियम क्लोराइड घुलेगा। डी तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर ताप में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है तथा ताप में कमी होने पर लवण की घुलनशीलता घटती है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड विलयन और निलंबन। उत्तर संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा विलायक में नहीं घुल सकती तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। बी शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। कोलाइड विलयन वे हैं जिनमें विलेय के कणों का आकार विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा 1 nm टू 100 nm के बीच होता है। इनके विलेय कणों को खुली आँखों नेकेड आईज से नहीं देखा जा सकता तथा ये स्थायी होते हैं। कोलाइड टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे रक्त, दूध, क्रीम, मक्खन इत्यादि। निलंबन सस्पेंशन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दें तो ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चाक पाउडर तथा पानी, पानी में चूना, पत्थर आदि। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। उत्तर समांगी मिश्रण, सोडा जल, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई चाय। विषमांगी मिश्रण, लकड़ी, मिट्टी। प्रश्न क्रमांक 6, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? उत्तर यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। उत्तर निम्नलिखित वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं, बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा। प्रश्न 8, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। उत्तर दिए गए मिश्रणों में से समुद्री जल व सोडा जल विलयन है।
प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च का विलयन। उत्तर बी दूध तथा डी स्टार्च का विलयन, क्योंकि ये कोलाइड विलयन है। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित को तत्व यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम, मिट्टी का तेल, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त। तत्व सोडियम, चांदी, टिन, सिलिकॉन। यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट। मिश्रण चीनी का घोल, मिट्टी, वायु, कोयला, रक्त। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनाना, मोमबत्ती का जलना। उत्तर रासायनिक परिवर्तन। पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना आदि। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।